नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फेमा से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधी कानून है। फेमा देश के बाहर व्यापार भुगतान और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो ऋषिपाल जी, आपको फेमा से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, दो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो विदेशी मुद्रा लेन देन से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप हमारे विशेष कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। सर, फेमा को लेकर तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही, लेकिन फेमा से पहले मैं फेरा को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। सर, फेरा के बारे में भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि ये क्या है और इस कानून को क्यों लाया गया था। देखिए रिशु, ये दोनों ये जो कानून है इनका जो मुख्य उद्देश्य है और जिन उद्देश्य के लिए लाए गए थे, विशेष तौर पे ये फॉरेन एक्सचेंज जो होती है, जो विदेशी मुद्रा, जैसे आपने सुना होगा डॉलर है, पाउंड है, रूबल है, जितने भी विदेशी मुद्रा जो होती है, उस विदेशी मुद्रा से संबंधित जो व्यापार होता है, उसका लेन देन होता है, वो उसको जो नियंत्रित करने संबंधित था। जैसे आप समझते हैं कि हमारे देश में जब हम मान लीजिए जब हम कोई भी किसी विदेश से कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम पेट्रोल खरीदते हैं या कोई तकनीक खरीदते हैं या कोई और सामान खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से अब से पहले अगर हम रुपए की, जो अब बहुत सारे देशों में जो रुपया है वो भी करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने लगा है, उससे बहुत समय पहले की बात करें, करीब करीब 20 साल पहले की बात करें या 25-30 साल पहले की बात करें, तो केवल डॉलर के माध्यम से ही आप व्यापार कर सकते थे। तो अगर मान लीजिए हमें पेट्रोल खरीदना है या कोई और चीज खरीदनी है, कोई दवाई खरीदनी है विदेश से, तो हमें उनकी को परचेज करने के लिए, किसी भी सामान को परचेज करने के लिए हमें यूएस डॉलर चाहिए। अब यूएस डॉलर जो है हमारे पास कैसे आएगा? जो हमारे यहाँ विदेश, जो हमारे यहाँ देशी कंपनियां काम कर रही हैं, जब वो व्यापार करती है विदेशों के अंदर और वहां से जब उनको अदायगी मिलती थी जो डॉलर के रूप में मिलती थी, तो सरकार ने ये नियम बनाया 1973 के अंदर कि जो आपको अदायगी मिल रही है डॉलर के रूप में, वो डॉलर के रूप में आप उसको आरबीआई के पास जमा कराएंगे, जिससे आरबीआई के पास जो है वो यूएस डॉलर हो और वो कोई भी अगर वस्तु जो देश के हित में है उसको परचेज करने के लिए उस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि जो फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज था, उसको रेगुलेट करने का था कि किसी भी तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए और ऐसे कोई भी नियम, ऐसी कोई भी जो ट्रांजेक्शन है जो कि आरबीआई या भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसी ट्रांजेक्शन को गैर कानूनी घोषित किया गया था और फेरा के तहत उन सारे जो नियम कानून थे और जो नियंत्रण थे उनको लगाया गया। लेकिन कुछ समय के बाद नहीं सर, आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे। लेकिन जैसे फेरा जो कानून था 1973 में था, लेकिन जो जैसे अगर हम कानून की बात ही करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की बात थी, नियंत्रण की बात थी। तो नियंत्रण करते 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 एक समय ऐसा आया कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा का जो आना था वही ज्यादा नियंत्रित हो गया। तो उसके तहत चलते हैं, जैसे आपने फेमा की बात करी है, तो उसके तहत जो है इस कानून में बदलाव लाया गया और फेरा की जगह फिर फेमा जो है वो नया कानून लाया। ठीक है सर, फेरा के बारे में तो आपने बड़े विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है। सर, हमारे दर्शकों को फेमा के बारे में भी बताइए और इन दोनों में फर्क भी बताइए। देखिए, अगर आप इस दोनों कानून को देखें तो जो फेरा है, फेरा के कानून में
न केवल आमूलचूल परिवर्तन करना या बल्कि बहुत बड़ा सुधार करना जो है वो आवश्यक था। जब फेरा का के जो कानून थे उससे संबंधित जो शिकायतें थी, उससे संबंधित जो केसेस थे वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए थे, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके अंदर जो जेल का प्रोविजन भी था, उसके चलते बहुत सारे जो व्यापारिक घराने थे या व्यापारिक लोग थे वो विदेशी जो व्यापार करने थे हिचकिचान लोगों ने चालू कर दिया था कि भाई ऐसा ना हो कि किसी तरीके से जो लाल फीताशाही के चलते कोई फेरा का केस उन पर लग जाए और उनको जेल जाना पड़ जाए। तो जब उनका जो उनका वो उत्साहहीन हो गए और उनकी उदासीनता जो है विदेशी व्यापार की तरफ होने लगी, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने महसूस किया कि कानून में ऐसा बदलाव लाया जाए जिससे कि जो व्यापारिक घराने हैं वो विदेशी व्यापार पर और अपने आप को उत्साहित होकर काम करें और अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा हमारे पास आए। विदेशी मुद्रा आएगी तो हमारा भंडार बढ़ेगा और उसी विदेशी मुद्रा से भारत जो है और चीजों को खरीद सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी है या मुख्यतः जो है हमारा जो सबसे बड़ा बिल होता है वो पेट्रोल का होता है, और पेट्रोल की जो हमारी जो गल्फ कंट्री थी वो केवल यूएस डॉलर को ही स्वीकार किया करते थे। तो उसके चलते जो है फेरा के बाद फेमा को लाया गया, और इस फेमा का सबसे बड़ी जो कानून था वो यही था कि वो केवल नियंत्रित नहीं करता था बल्कि उसका काम ही ऐसा था कि हमारे देश में जो व्यापारिक खाते होते हैं, जो सेविंग अकाउंट होते हैं और जो करंट अकाउंट होते हैं उनके अंदर इस तरह से ट्रांजेक्शन को करना जिससे कि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा आ सके। और अगर मान लीजिए कोई आदमी विदेशी मुद्रा में व्यापार कर रहा है और व्यापार के चलते किसी भी तरीके से कोई मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हो गया और किसी ने ईडी ने उसको पकड़ लिया और रात को केस दर्ज किया और सुबह उसकी अरेस्टिंग हुई और वो जेल चला गया। फेमा के अंदर सबसे बड़ी बात आई थी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को फेमा के तहत किसी नियम में पाया जाता है कि उसने जो है उल्लंघन किया है, तो उसके पास नोटिस आएगा, उसके पास जुर्माने का प्रावधान होगा और वो चाहे तो उसको कंपाउंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई 100 करोड़ रुपए की जो करेंसी है, जो यूएस डॉलर है, वो आपके पास आए और आपने 100 करोड़ को प्रॉपर तरीके से आपको जो आपका करंट अकाउंट में उसमें नहीं दिखाया या सेविंग अकाउंट में दिखा दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर उल्लंघन होता है तो आपके पास नोटिस आएगा, आपको पहले चांस दिया जाएगा कि आप इस जो अपना जुर्माना है जुर्माना देके अपने केस को आप खत्म करा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जुर्माना भी नहीं देता है तब ऐसी स्थिति में जो है उसको जो कार्यवाही तरफ जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश की गई कि व्यापारियों को थोड़ी सी राहत दी जाए, उसको थोड़ी प्रिविलेज दी जाए और विदेशी व्यापार, विदेश तौर पर ऐसा व्यापार जिसमें विदेशी मुद्रा आ सके उसकी बढ़ोतरी हो सके, तो इसके तहत इस कानून को लाया गया। और हम देखें कि पिछले करीब 20-25-30 सालों से हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विशेष तौर पर 90 के बाद से अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से जो हमारे देश में उसका सुधार हुआ। जी सर, ये तो आपने हमारे दर्शकों को बड़े विस्तार से यहाँ पर समझाया कि फेमा को फेरा की जगह क्यों लाया गया, और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आपने प्रकाश डाला। सर, थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि फेरा को हटाकर फेमा लाया गया तो कानून में और क्या क्या बदलाव किए गए हैं? काफी हद तक तो आपने बता ही दिए हैं। वैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव था पहले और दोनों कानून के अंदर, पहला जो कानून था वो नियंत्रित करने वाला था कि विदेशी जो व्यापार है, विदेशी जो ट्रांजेक्शन को नियंत्रित किया कैसे किया जा सके, यानी हर ट्रांजेक्शन पर सरकार ये कोशिश करे कि सरकार की नजर हो। उस नजर के चलते क्या है, नजर तो होती थी लेकिन लोग उत्साहहीन हो जाते थे, लोग डरते थे। लेकिन अब जो है जो कानून, जो अब जो फेरा है, जो रिस्ट्रिक्शन थे वो मैनेजमेंट आ गया कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सके, तो उसके चलते जो है सरकार खुद ऐसे नियम बनाती है कि विदेशी व्यापार को और बढ़ावा मिले। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव कानून में लाया गया, जिसको घरानों ने, जो विदेशी घरानों ने और जो विदेश जो एक्सपोर्टर काम करते थे, इम्पोर्ट करते थे, उन्होंने कहा कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन अगर हो जाती है तो उनको चांस दिया जाए, और उनको अगर गलती हो जाती है तो उसकी भरपाई करने का जो जुर्माने का प्रोविजन किया जाए। तो उसके चलते ही इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कानून बदलाव आया कि पहली बार कानून को कंपाउंडेबल बनाया गया, यानी उससे पहले जो ये कानून था, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ठीक है जी उससे कोई गलती हो गई और उसको इतना टैक्स जमा करना है, तो वो टैक्स भी जमा करना था और जेल भी जाना था। अब स्थिति ये है कि अगर आपको पता लगता है कि भाई आपसे गलती हो गई और वो आपको एक फंड रेज करते हैं कि भाई इतना टैक्स आपको और देना है, और अगर आप वो दे देते हैं तो आप उस केस को खत्म करा सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं,
जैसे अब कानूनी रूप में बहुत सारे केस होते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, तो पहले जो ये केस था ये नॉन कंपाउंडेबल था, व्यक्ति जुर्माना देने के बाद भी केस से नहीं छूट सकता था, तो उसके तहत ही लोग बहुत ज्यादा जो उत्साहहीन हो गए थे। इसके चलते इस कानून को लाया गया और अधिक से अधिक जो विदेशी मुद्रा है उसको बढ़ावा दिया गया, और आज की स्थिति खैर बहुत अलग हुई पिछले 8-10 साल से कि ना केवल जो विदेशी मुद्रा है उसमें व्यापार हो रहा है बल्कि 17-18 देश ऐसे हैं जहां पर भारतीय मुद्रा के अंदर भी बहुत आसानी से व्यापार होता है। जी सर, ये भी बताएं फेमा के उल्लंघन पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए फेमा के जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेरा था, फेरा में जब कोई व्यक्ति उसको उल्लंघन करता था तो ऐसी स्थिति में जो प्रावधान था 3 साल तक की जेल का प्रावधान था और नॉन कंपाउंडेबल था। अगर कोई व्यक्ति ये कहता था कि ठीक है जी ये पैसे अगर जो विदेशी मुद्रा मेरे पास आई है और मैं आपको इसके सोर्स को ढंग से नहीं बता पा रहा तो ऐसी स्थिति में मैं जुर्माना देके छूट जाऊं, पहले नहीं था। लेकिन अब जो क्रांतिकारी जो बदलाव लाया गया वो यही लाया गया कि आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस के बाद आपको पूरा समय दिया जाएगा 90 दिन का कि आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। रिप्लाई देने के बाद भी अगर आप वो अधिकारी संतुष्ट नहीं होता तो वो एक अमाउंट रेज करेगा, उसकी भी आप अपील कर सकते हैं, और अगर आप अपील भी हार जाते हैं तो उसके बाद भी आपको ये अधिकार होगा कि आप चाहें तो अपील के बाद भी उस मैटर को कंपाउंड कर सकते हैं, वो पैसा देके आप अपने आप अपना बचाव करा सकते हैं। जी सर, विदेशी मुद्रा को किस तरीके से जो फेमा है उसमें परिभाषित किया जाता है उसको भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए विदेशी मुद्रा को अगर जैसे आप सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति समझेंगे तो जो डॉलर है, जो रूबल्स है, ये तो एक अगर हम समझते तो एक विदेशी मुद्रा का एक प्रकार है, यानी कि ये जो करेंसी यानी फॉरेन करेंसी उसका प्रकार है। और विदेशी मुद्रा के अंदर बहुत सारी ऐसी होती है जिसको हम सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं, जिसको हम ई करेंसी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट है वो भी क्या है, हालांकि वो किसी डॉलर के अंदर ऐसे नहीं कि जिसको आप टच कर सकते हैं कि हाँ ये डॉलर है आपने टच कर लिया। अगर मान लीजिए 1 लाख जो 1 मिलियन डॉलर है, 1 मिलियन डॉलर का लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये सारी के सारे जो है ये फॉरेन एक्सचेंज में जाते हैं क्योंकि उनकी भी एक अपनी मॉनेटरी वैल्यू होती है। उस मॉनेटरी वैल्यू से ही आप आगे व्यापार कर सकते हैं, उस मॉनेटरी वैल्यू से ही जो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है या मान लीजिए आपका जो जो बिल्स बना रखे हैं, इसके अलावा जो और अकाउंटेंसी है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट से एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसके चलते ये सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कहीं ना कहीं मैनेज किया गया और उसको बेहतर तरीके से किया गया जिससे कि व्यापारी जो है वो अधिक से अधिक व्यापार की तरफ उत्साह दिखा सके। सर ये बताएं कि फॉरवर्ड मार्जिन का जो मतलब है वो क्या होता है, इसको किस तरीके से हमारे दर्शक समझ सकते हैं आसान भाषा में? देखिए ऋषु, जब कोई व्यापारी विशेष रूप से विदेशों से व्यापार करते हैं तो कई बार जैसे आप सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति इनवॉइस जनरेट करता है, कोई बिल जनरेट करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो है पेमेंट आती है, ये सामान्य नियम है। कई बार ऐसा होता है कि जो बिल जनरेट होता है, इनवॉइस जनरेट होती है, उस इनवॉइस जनरेट से जो अमाउंट है उससे ज्यादा आ जाता है, तो सामान्य रूप से अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो अपने आप में एक आपराधिक प्रक्रिया है कि भाई आपके जो बिल जनरेट 100 रुपए की और आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो डॉलर आ रहा है वो 110 डॉलर आ रहा है, 10 डॉलर जो आ रहा है वो निश्चित रूप से काला धन। लेकिन कई बार क्या होता है व्यापारी अगले जो व्यापार करने के लिए या अगला कोई और ट्रांजेक्शन करने के लिए या कोई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एडजस्ट करने के लिए एक फॉरवर्डिंग मार्जिन देते हैं, वो उस इनवॉइस से ज्यादा का होता है, तो ऐसी स्थिति में उस मार्जिन को आप अगले वित्तीय वर्ष के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको जरूरी नहीं कि इसी वित्तीय वर्ष में वो एडजस्ट हो, वो अगले वित्तीय वर्ष में एडजस्ट हो सकता है। सबसे पहले जो पहले कानून की व्यवस्था थी वो इसीलिए कठोर थी कि आपको उसी वित्तीय वर्ष में बताना होता था कि ये जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आया है, विदेशी जो मुद्रा आई है, ये किस तरीके से आई है और ये आपके अकाउंट से जो आपने इनवॉइस जनरेट की है ये उससे ज्यादा क्यों है। लेकिन इस बार जो फेमा के अंदर जो परिवर्तन किया गया वो इसीलिए किया गया कि अगर मान लीजिए उससे ज्यादा आती है तो आप उस मार्जिन को अगले वित्तीय वर्ष के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको आगे जाकर आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। जी सर, ये भी बताएं कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का और क्या कुछ अहम रोल होता है?
देखिए फॉरेन एक्सचेंज में जैसे सामान्यतः हमारे देश में जो डील करते हैं वो जितने भी जो बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम जो होते हैं वो करते हैं, सारे सारे बैंक्स होते हैं वही फॉरेन एक्सचेंज को डील करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो एक डीलर एसोसिएशन है, ऐसी एक सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशन है जो कि जितने भी हमारे यहाँ सदस्य जितने बैंक हैं सभी बैंकों से मिलकर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य जो होते हैं वो ऐसी सलाह देते हैं कि किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जा सके, और एक तरह से ऑथराइज वो लोग डीलर होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, ऑथराइजेशन है उनको आरबीआई अलाउड करती है। समय समय पर वो जो विदेशी बैंक जो देशी बैंक होते हैं वो उनको सलाह देते हैं, उनकी ब्याज के ऊपर सलाह देते हैं कि ब्याज क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आरबीआई के पास जब भी कोई नियम में बदलाव आता है तो उसको सलाह देते हैं। जैसे आपने देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जो फेरा है और उस वक्त फेमा आया, तो ये जो परिवर्तन बीच का हुआ तो ये परिवर्तन बीच में करने वाले ऐसी कौन सी एजेंसीज होती है जो समय समय पर आरबीआई को या सरकार को ये सलाह देती है कि अब नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए। तो ये जो विशेष तौर पर जो एसोसिएशन है ये इनका काम यही होता है कि बैंकिंग सिस्टम में जो फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो जो ऑथराइज डीलर है वो किस तरह से काम को सुचारू रूप से कर सके और किस तरह से जो परेशानी कम हो सके और अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ सके, और किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कोई कानूनी परेशानी आती है तो उनसे कैसे छुटकारा हो, और कैसे कैसे हम लगातार सलाह दे सकते सरकार को और आरबीआई को इससे अच्छे और सरल नियम बन सके। जी सर, बैंक अकाउंट्स के बारे में भी हम यहाँ आपसे समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। विदेशी मुद्रा लेन देन में नोस्ट्रो और वोस्ट्रो बैंक अकाउंट के बारे में अक्सर लोगों ने सुना होगा, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, तो इसके विषय में भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जब भी विदेशी एक्सचेंज की बात करते हैं तो विदेशी एक्सचेंज से रिलेटेड जब भी कोई व्यापारी होता है अगर विदेशों में व्यापार करता है तो निश्चित रूप से उसके पास जो एक्सचेंज आता है या मनी करेंसी आती है वो विदेशी मुद्रा में आती है। जी सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं और अपने दर्शकों को हम इंतजार नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि बड़ी जिज्ञासा के साथ वो कॉल करते हैं। नोएडा से हमारे साथ हरीश कपूर जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप हरीश जी? सबसे पहले तो आप अपने अगर आपने टीवी चलाया हुआ है तो उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए। हरीश जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। ये आपकी आवाज आ रही है हमें भी, लेकिन आप टीवी के माध्यम से ना सुने, आपका जो सवाल है आप सीधा सवाल करिए, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। हाँ जी, ये इनकम टैक्स का केस है कोई हमारा। जी क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये कि इनकम टैक्स का केस है कोई हमारा। इनकम टैक्स का आपका कोई केस है तो इसमें अपील में हम चले गए तो अपील रिजेक्ट हो गई है। अपील में गए थे, अपील रिजेक्ट हो गई है। अपील आपकी रिजेक्ट केस है, अपील रिजेक्ट हो गई है। चांस है कि आप उसकी उस जो अपील है अपील के अगेंस्ट में जो संबंधित जो हाई कोर्ट है वहाँ पे आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं, और रिट पिटीशन से आप संतुष्ट ना हो उसके बाद आप SLP के अंदर जा सकते हैं। तो आप प्रोविजन यही है कि आप अपील के अगेंस्ट में आप संबंधित हाई कोर्ट में जाए और वहाँ पर रिट पिटीशन लगाए। जी सर, ये तो हरीश जी का सवाल था, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन मेरा सवाल का जो जवाब है वो अभी बाकी है जो मैंने दर्शकों के लिए आपसे पूछा था सर, उसको भी कंप्लीट करें। देखिए जो मैंने आपको बताया था बेस्ट जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, जिस फॉरेन एक्सचेंज में जब कोई डील करनी होती है किसी भी कंपनी को जी, तो उसको विशेष तौर पे देश में अगर मान लीजिए कोई रूपल में डील कर रहा है या माने दिनार में डील कर रहा है, अगर हमें पेट्रोल परचेज करना है और वो जो गल्फ की कंट्री है उसका कहना है कि भाई हम केवल दिनार में ही आपको पेमेंट देंगे और पेमेंट भी हम आपके आपके देश के अकाउंट से लेंगे, आप हमारे देश में आके जो है हमारी करेंसी के अंदर अकाउंट को खोलिए। तो जब हमारे देश जो हमारा अपना देश होता है विदेश में जाके किसी कंट्री के अंदर कोई अकाउंट खोलता है तो वो जो अकाउंट होता है वो अकाउंट नेशनल अकाउंट होता है, और जो अकाउंट वो नेचुरली एक अकाउंट उस देश में खोला जाता है, एक अकाउंट हमारे देश में खोला जाता है। तो हम मनी को ट्रांसफर करेंगे और वो मनी उस देश में जाके दिनार में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो उस देश का वो
नेशनल अकाउंट होगा और जो अकाउंट हमारे देश में होगा वो बेस्ट अकाउंट होगा। जी सर, हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी आज के विषय पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।